आजकल हम सभी को कोरोना वायरस के डर या स्ट्रेस में देखते हैं, और अब जब सब कुछ खुलता ही जा रहा है तो ये सोचना तो ऑब्वियस है, और ये आजकल ऑलमोस्ट हर कोई फील कर रहा है। बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसे आसान तरीके जिससे आप आपके मन का कोविड स्ट्रेस या फिर डर आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है अवॉइड कोविड न्यूज़। हाँ, ये सही है कि दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में अपडेटेड रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये एक लिमिट तक सही है। और हम सब तो जानते ही हैं कि हमारा मीडिया हमें डराने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा है, और उसी के साथ अगर हमें इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड होना भी हो तो हमें WHO या फिर इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की साइट पर डिपेंड होना चाहिए। और वैसे भी हमारे न्यूज़ देखने या नहीं देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे प्रिकॉशंस लेने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, तो क्यों ना उन प्रिकॉशंस पर फोकस किया जाए। बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, जो कि है ट्रीट इट लाइक अ गेम। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सीरियस इशू को हम गेम की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस गेम को सीरियसली पूरे फोकस के साथ कोरोना वायरस के साथ खेलना है। हमें बस वैक्सीन के आने तक अपने आप को इस वायरस से बचाए रखना है, कुछ प्रिकॉशंस लेकर या फिर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर, वो भी कुछ महीनों के लिए। और अगर ये सब खत्म होने तक हम बच जाते हैं तो हम इस गेम को जीत जाते हैं। मतलब बेसिकली ये एक कॉम्पिटिशन है हमारे और कोरोना वायरस के बीच। और अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो भी जाते हैं तो क्या, अपना ही गेम है। ठीक होने के बाद हम इस गेम को वापस रिस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से आपका ये मुश्किल वक्त आसानी से मज़े में निकल जाएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, जो कि है टॉक अबाउट फैक्ट्स। हाँ, हमें फैक्ट्स के बारे में बात करना है। मुंबई में इतने पेशेंट्स, दिल्ली में इतने पेशेंट्स, गुजरात में इतने पेशेंट्स या पूना में इतने पेशेंट्स, ये सभी चीज़ें हमें स्ट्रेस में डाल देती, और ये सारे बड़े बड़े नंबर्स हमें डरा देते हैं, और इसी डर के कारण हमारे मन में फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण हम प्रिकॉशंस लेना छोड़ देते हैं। और इंडिया में एकदम से जो रैपिडली पेशेंट्स आते जा रहे हैं, इसके आने का मेन रीज़न ये भी है, और इसलिए हमें फैक्ट्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इंडिया का रिकवरी रेट क्या है, इंडिया का रिकवरी रेट लगभग 80% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। तो फिर ज़्यादातर लोग अगर ठीक ही हो रहे हैं तो डर किस बात का। बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, जो कि है इंडल्ज इन अ फन एक्टिविटी। आप अपना कोई फेवरेट गेम खेल सकते हैं, अपना फेवरेट टीवी शो देख सकते हैं, या फिर अपनी फेवरेट मूवी देख सकते हैं, लेकिन ये ऐसा काम होना चाहिए जिसमें आपको सचमुच मज़ा आता हो। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा बिजी है तो कम से कम अपने आपको मॉर्निंग में फिटनेस या फिर मेडिटेशन को टाइम देना चाहिए, जिससे आपका दिन पीसफुली निकले। हमारा आखिरी और पांचवा पॉइंट है बात करें। हमें बात करनी है अपने दोस्त से या किसी अपने नज़दीकी आदमी से या फिर अपने रिलेटिव से, लेकिन हमें बात कोरोना वायरस के बारे में नहीं करनी है, बल्कि हमें बात करनी है किसी और चीज़ के बारे में। जैसे कि आपकी इंटरेस्ट की कोई चीज़, जैसे अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो तो अपने दोस्त से क्रिकेट रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करें, इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आपका डर और कम हो जाएगा। लेकिन ये सब करने के बावजूद अगर आपके मन में कंटिन्यूसली ये डर के या फिर ये स्ट्रेस के ख्याल आते रहते हैं, तो आपको एक स्पेशलिस्ट या फिर एक प्रोफेशनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कोरोना फोबिया को हटाने में, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर किसी के मन का कोरोना स्ट्रेस या फिर डर आसानी से निकल जाए। तो अब टाइम आ गया इस वीडियो को एंड करने का। अगर आपको इस तरह का कॉन्टेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब टू द चैनल।